और पूरा डेड हो चुका है चार्ज भी। यार एमटी के पोर्ट शो कर रहा है, सिंपल सी बात है, ईएमसी पे काम करो। टेक्निकल मोबाइल सर नोट 7 है, इसमें ईएमसी ख़राब था, माइक्रोन का था यूएसबी, सो उसमें आरपीएम भी क्लीन करके सैमसंग का ईएमसी डाला हूँ और इंजरी फाइल से फ्लैश किया हूँ, सेकेंड लोगों में आके थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, और फाइल भी चेंज करके देखो यार फाइल को। ये बहुत ही हुनर स्टूडेंट है इम्तियाज़ अली, थैंक यू सर मेरे कमेंट को वीडियो मेंशन करने के लिए। इम्तियाज़ ही इज़ वेरी, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। आप चाहो तो एसर टेलीकॉम के ब्लॉग में जाओ, एसर टेलीकॉम के फेसबुक में जाओ, वहाँ पे देखो इस बच्चे ने इतने सारे अब भी मार्केट में काम कर रहा है, और जो अपने आप को ने बहुत डेवलप किया हुआ है, अपनी कमाई को भी बढ़ाया है। यार देखो सोनू कुमार, सोनू क्या, सोनू मैंने वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पर जाइए, लिखिए एसर टेलीकॉम SDR तो आ जाएगा। चामुंडा मोबाइल सर ऑनलाइन है ऐसा काम तो एक थाली में परसों और देख कर खा लो इन पर्सन। यस ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन हार्डवेयर रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखना है जस्ट लाइक सामने थाली में परोस दो और देख कर खा लो। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज एक वीडियो फिर से एक कमेंट को लेके, और जो कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखे देखा करो यार, क्योंकि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के जो स्टूडेंट नीचे कमेंट पे करते हैं। और अगर आपको भी आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको ढूंढना है, देखो मैं आप ये पूछेंगे सर ये पूरा तरीका बता दो, तो एक वीडियो में आप भी समझदार हैं, एक पूरा तरीका नहीं बताया जा सकता, ना बताया जा सकता है ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसको पूरी क्लास में ही अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि समझना भी है फिर प्रैक्टिकल भी करना, तब जाके वो चीज़ बनती है। कोई भी चीज़ सिर्फ थ्योरिकल से नहीं बनेगी, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगी। और यही एसर टेलीकॉम का एक मान के चलो कि एक लोगो है, यही एसर टेलीकॉम का एक स्लोगन है कि अगर हम जितना थ्योरी देंगे उससे डबल प्रैक्टिकल देंगे ताकि समझ में आए। सो दोस्तों ये जो वीडियो है ये फिर से मैं कमेंट पे लेके आया हूँ, और इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे कमेंट के मैं आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया है, तो यहाँ मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है, अब सभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है, तो अब मैं अपने कमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं देवदन अग्रवाल के चैनल पे ओपन करूँगा इसे। ओके बहुत सारे कमेंट्स जिसको मैं उठाने वाला हूँ और जिसके मैं आंसर देने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग या ट्रेनिंग इच लेवल पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखनी है जो एक्सपीरियंस हो, जो आपको प्रॉमिस करे, जो आपसे गारंटी दो, आपको पैसा वसूल कोर्स दे, जो जिसके पास एक बड़ी टीम हो, एक बैकअप सपोर्ट टीम हो, एक टीचर्स की अलग टीम हो, जो ईएमसी पढ़ाने के अलग टीचर हो, सॉफ्टवेयर के अलग टीचर हो, ऐसे ही नहीं कि एक आदमी सिंगल सबको पढ़ा रहा है और फिर बैकअप भी दे रहा है, तो ये तो मतलब ये हो गया अपने आप को धोखा देने वाला, तो ये बिल्कुल ना हो। सो अगर ये हो तो ही आप, अगर आप पढ़ना चाहते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री बैकअप के साथ और ज़िंदगी भर जुड़े रहना चाहते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जो आपको ड्यूअल लेकर क्या वन प्लस तक के मोबाइल को आपको करवाएगा स्वैपिंग और आप डाटा रिकवरी जो भी आप सीखना चाहते हैं ईएमसी के अंदर या कॉम्पोनेंट या हार्डवेयर, तो आप इस डील को ज्वाइन करना। चलो मैं सबसे पहले कुछ सवाल यहाँ पे लूँगा ओमकार जाने का। हेलो सर, थैंक यू। हेलो आप लोग ना हेलो लिखते हो, मेरे को लगता है कि पूरा लिखा करो, क्योंकि एक मैसेज होते हैं इस पर अपने सवाल डाला करो डायरेक्ट। तो ओमकार अगर आपके कोई सवाल है तो आप डालिए। इम्पैटी आर्ट्स ने पूछा है सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो सर IMEI चेंज करना ईजी है। देखो IMEI चेंज करना ईजी तो नहीं है, बट एक इलीगल है, कोई भी नहीं कर, कोई भी मुझे लगता नहीं है, मुझे मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि IMEI तो चेंज बिल्कुल ना करें और ये इलीगल है, और IMEI को रिपेयर करते हैं। कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण या अपडेट होते हैं ना जो फ्लैशिंग करते हैं या कोई FRP या अनलॉक कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी, अगर हम किसी टूल के साथ रूटिंग कर रहे हैं या कुछ भी करने के टाइम पे सिक्योरिटी डैमेज होने के
कारण IMEI करप्ट हो जाती है। करप्ट मतलब वो IMEI आपको शो नहीं होती है, तो जिस वजह से नेटवर्क चला जाता है। तो उस टाइम पे आप उसको बना सकते हैं और आपको सही IMEI डालना पड़ेगा, आपको बिल मांगना पड़ेगा, डब्बा मांगना पड़ेगा और बहुत सारे और होते हैं जिसमें IMEI पीछे आपके स्टिकर लगे होते हैं, तो उससे भी IMEI चेक कर सकते हो बट सही IMEI के साथ। सो आपका फ़ोन चोरी हो गया तो देखो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मार्केट में ऐसा कोई भी टूल नहीं है जिससे आप अपना फ़ोन ढूंढ सकते हैं। आप जो है प्रोटोकॉल उसको फॉलो करो, आप पुलिस वालों के पास जाओ, FIR दर्ज कर दो, बस आप बिल्कुल विश्वास करो उन पर और वो आपको अगर फ़ोन उनको मिलेगा तो वो आपको फ़ोन करेंगे और आपको वो फ़ोन दे देंगे। आप सिर्फ अपने फ़ोन को जो आप जितने भी यूट्यूब डाले 98-99% दे आर फेक, आप सिर्फ उसको फ़ोन को ट्रेस करके, आपको ना पहली बार तो ट्रेसिंग होगा नहीं, दूसरी बात आप सोचोगे मैं डाटा डिलीट कर दूँ या ऐसा कर दूँ, तो पहली बार आपका फ़ोन का डाटा ऐसा होगा नहीं। जो भी एक थर्ड पर्सन होगा अगर जिसने चोरी भी किया होगा तो वो पहले उसको फॉर्मेट कराएगा, डाटा अनलॉक कराएगा, तो ये सारी चीज़ करने के बाद ही वो कुछ कर पाएगा। तो आप ये निश्चिंत हो जाओ कि वो आपका डाटा यूज़ करने वाला है, पासवर्ड पिन लगा है तो कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और लोकल पुलिस थाने में जाके, या जहाँ पर चोरी हुआ है वहाँ के पुलिस थाने में जाके उसकी रिपोर्ट लिखा दो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नू किंडे का इफ आई सेंड माय मोबाइल वर्किंग मोबाइल विद नैंड इशू कैन यू, यस यू कैन। आप अगर नैंड का इशू है आप नहीं बना पा रहे, देखो इस वीडियो में मैंने आईफोन सक्सेस में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 20% आईफोन सक्सेस पर एरर निकाला था। इसमें मैंने नैंड को देखा था तो नैंड करप्ट थी तो मुझे नैंड चेंज करनी पड़ी, तो नैंड का जो चेंज का तरीका है वो मैंने इसमें डाला है, समझ में नहीं आ रहा तो यार देखो क्लास में ही समझना पड़ता है। और आईफोन करने वालों कान खोल के सुन लो, अपने आप की जिंदगी के साथ खेलो मत, ये कोई भाजीवाड़ा वाला कोर्स नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे भी कर रहे हैं जवान भी कर रहे हैं। आईफोन वालों खास तौर पे यार एक आईफोन की कीमत समझो यार, एक फ़ोन भी बिगड़ेगा तो पूरा दुकान बेचनी पड़ जाएगी, आप सोचते क्यों नहीं है। डायरेक्ट आईफोन सीखने मत जाओ यार, एंड्रॉयड करो पहले। अब आपको लगता है सर आईफोन डायरेक्ट ही करना है मुझे, मेरे एरिया में आईफोन आते हैं, तो आईफोन सीख रहे हो तो पहली बार तो 6 महीने के अंदर, लगभग 3 महीने के अंदर तो दुकान खोलने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि पहले तो खुद की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी के अंदर में काम करो और ज़्यादा डेड रिस्क पे काम मत करो, क्योंकि जो स्किल्ड होगा वो धीरे धीरे ही आता है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एक आईफोन का CPU अगर आपसे निकलवा के लगवा भी लिया तो आप जाने के बाद 15 दिन के अंदर वो वापस भी नहीं कर पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर के सामने और अकेले करने में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम तो हमारे स्टूडेंट को प्रोटोकॉल के तहत काम करवाते हैं, हम तो मॉनिटरिंग करते हैं और समय समय पर उनको हमेशा गाइडलाइन देते हैं, तो बट आपके ऊपर भी एक ऐसा गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होगा तो सर अकेले इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी काम कर रहे हो ना, तो सर के ऊपर एक गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है। खैर भेज दो यार नूप किंग, कपिल सर मैं मिस यू, थैंक यू वेरी मच, 2 मंथ के बाद में आया, यस बिल्कुल आइए। और ये बैकअप सपोर्ट के लिए आना चाहते हैं और मे बी ये हमसे पढ़ चुके होंगे बैकअप सपोर्ट, देखिए हमारे दोस्तों हमारे पास बैकअप सपोर्ट हर महीने 3 से 4 बार हम वॉइस भेजते हैं, SMS भेजते हैं अपने स्टूडेंट को, कॉल करते हैं उनको, भैया बैकअप के लिए आना है। और हर महीने 2 तारीख हमने निर्धारित की है और इतने सारे दिन तो आप सोच नहीं सकते हैं, मैं बोलूँगा नहीं इस फ़ोन में, मतलब इस वीडियो में। तो बैकअप के लिए हमने MMC का अलग दिन रखा है कि सिर्फ MMC वाले दिन आई, और MMC का दिन अलग रखा है, हार्डवेयर पेस्टेड या फिर रॉयल डेकर या कोई भी IC में हमने अलग रखा है और डैड में अलग रखा है। तो भैया Acer Telecom का बैकअप लाजवाब है और बैकअप में जरूर आइए, जो भी वीडियो देख रहे हैं कॉल लगाइए MD सर को। और मैंने क्या बोला, 2017 तक के स्टूडेंट को बैकअप दिया यार, इतने पुराने आप सोच नहीं सकते, और एक रुपए नहीं लिया। अब क्या आने जाने का पैसा तो दोगे यार तुम। खत्री बॉय सर Note 10 Pro, और उनसे ये भी पूछते हैं कि आपने अपना जाने के बाद में पैसा कमाया कि नहीं, कमाई डबल हुई कि नहीं हुई होती है सर। खतरी बॉय सर Note 10 Pro Max फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग, दूसरा लगा के भी चेक कर लिया मेरे भाई। पहली बात देखो, बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई है तो पहली कन्वर्सेशन में मैंने लाइन एंड वोल्टेज प्रोटोकॉल 3 चीज चेक करना होती है, लाइन वोल्टेज प्रोटोकॉल, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एंडलेस। अगर मैं बात करूँ एक्टिव वोल्टेज चेक कर लो, 2.8 1.8, ये सारे वोल्टेज उसमें चेक करने पड़ते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की सप्लाई इसमें चेक करो, जो LDO वोल्टेज आते हैं वो चेक करो। तो उन्होंने कहा कि सारे सब चेक कर लिया, बस 2 लाइन पे वोल्टेज नहीं आ रही है। सो ये मैंने सीधा कहा है, यस CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो
मैंने यहाँ पर सीधा कहा है सीपीयू रिबॉल करना पड़ेगा और आप नोटिस कर रहे होंगे, तो मैंने यहाँ सो यहाँ पे मैंने सीधा कहा है कि सीपीयू रिबॉल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर उनसे बोला और उन्होंने बोला सर थैंक यू सीपीयू रिबॉल किया और हो गया। तो दोस्तों ये अनुभव हो जाता है, यही होता है एक अनुभव भी टीचर से पढ़ने का फ़ायदा। मोहसिन गुड लव यू थैंक यू वेरी मच मोहसिन। GSM सोल्यूशन वीडियो ओके आएगा, पता नहीं किस पर वीडियो बोला, एक पोस्ट पर उन्होंने वीडियो बोला होगा। ओके पोस्ट है यार, देखो आप वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, आप लोग डेली डेली देखो तो फिर सब पता चलेगा। चामुंडा मोबाइल सर ऑनलाइन है ऐसा काम तो एक थाली में परसो और देख कर खा लो इन पर्सन। यस ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन हार्डवेयर रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखना है जस्ट लाइक सामने थाली में परस दो और देख कर खा लो। वेरी गुड चामुंडा मोबाइल, बहुत अच्छी बात कही है, वेरी गुड इम्प्रेसिव, सही बात। पर ये लोगों को लगेगी नहीं, लोगों को लगता है अरे बहुत आसान है, IC तो निकालनी है डायग्राम ना, तभी तो SDR पे वीडियो बनाओ यार। देखो सोनू कुमार, सोनू मैंने वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पर जाइए और लिखिए एसर टेलीकॉम SDR तो आ जाएगा। अब्बास कह रहे हैं सर मैं पाकिस्तान से हूँ, आपकी क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर है? यार बहुत प्रोसीजर दूसरे कंट्री के लिए एक ही है, आप पाकिस्तान से हो, आप श्रीलंका से हो, या आप दुबई से हो, या आप कहीं से भी हो, आप UK के हो या USA के हो, प्रोसीजर एक है कि पहले इंडिया आ जाओ और इंडिया आकर आराम से जहाँ रहते हो वहाँ रहो और उसके बाद कॉल लगाओ, फिर हम आपको एडमिशन देंगे। बाहर के स्टूडेंट को एंट्री बिल्कुल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट को हम एंट्री नहीं देते। आप पहले इंडिया में आइए, अपना सेटल कीजिए अपने आपको और फिर आके पढ़िए हमसे। BK मोबाइल शॉप सर मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, थैंक यू यार, आ जाओ बिंदास। देखो इनको मैंने भी लिखा बेस्ट ऑफ लक और 100% वारंटी गारंटी भाई मेरी, 5 दिन में पैसा ले जाना वापस। पर ऐसे दिन ये दिन भी आने दूंगा, दूसरे दिन तुम खुद बोलोगे कि सर पैसा वसूल है। अरे ये तो मेरा बहुत काबिल हो, बहुत क्या बोलूँ इसको, ये बहुत ही हुनर स्टूडेंट है इम्तियाज़ अली। थैंक यू सर मेरे कमेंट को वीडियो मेंशन करने के लिए इम्तियाज़, ही इज़ वेरी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप चाहो तो एसर टेलीकॉम के ब्लॉग में जाओ, एसर टेलीकॉम के फेसबुक में जाओ, वहाँ पे देखो इस बच्चे ने इतने सारे अब भी मार्केट में काम कर रहा है और जो अपने आप को इन्होंने बहुत डेवलप किया हुआ है, अपनी कमाई को भी बढ़ाया है इसमें, और वो सारे फ़ोन बना रहा है जो ये पहले देखते थे वीडियो में या डरते थे, डुअल लेकर पेस्टेड MMC पे काम बहुत कुछ, और आप इनकी ट्रेसिंग भी इनका नॉलेज भी गजब का हो गया है। टेक्निकल मोबाइल सर नोट 7 है, इसमें MMC ख़राब था, माइक्रोन का था USB, सो उसमें RPM भी क्लीन करके सैमसंग का MMC डाला हूँ और इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश किया हूँ, सेकेंड लोगों में आके थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, और फाइल भी चेंज करके, देखो यार फाइल चेंज करके या इंजीनियरिंग फाइल डाल देना, पहली बात टेक्निकल मोबाइल, देखो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करो, ये तो सीधा सी ये बात है कि आपके ऊपर कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, और तो यही होगा आपने गूगल से डाउनलोड की होगी या तो यूट्यूब से देखा होगा। यार यूट्यूब क्या बात कर रहे हो, यूट्यूब YouTube में अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ें, बुरी चीज़ें 99% अच्छी चीज़ें 1%, और 1% ढूंढने में यार हालत ख़राब हो जाती है और फिर टेस्ट भी करना होता है। इंजीनियरिंग फाइल बिना टेस्टेड नहीं लगाते मेरे दोस्त, फ़ोन आपके डेड हो जाते हैं, तो इंजीनियरिंग फाइलों को जब तक टेस्टेड ना हो मत करो, तो टेस्ट करो पहले किसी मोबाइल में, अगर वो वर्किंग हो तो ही लगाओ। ऐसे ही अगर फ्री में इंजीनियरिंग फाइलें मिलने लगी और गूगल में जो डली है ना 99% आर फेक, तो अभी पहले कोई अपने ऊपर गुरु लाओ और वो गुरु तुमको देगा, वो गुरु को इतने काबिल होना चाहिए कि वो फाइल रखे, नहीं तो क्या बात का 4-5 महीने वाले इंस्टीट्यूट जो खुल गए हैं, सिंगल वन हैंड टेक्निकल टीचर जो टीच आपने देखे ही नहीं है, जो कल दुकान में काम करते थे आज आपको पढ़ा रहे हैं, क्या बोलेंगे। सर MMC चेंज फाइल कहाँ से मिलेगी और फाइल परफेक्ट सोल्यूशन और फॉल्ट फाइंडिंग? यार ऐसा है कि मैसेज में तो कहीं से नहीं मिलेगी, YouTube में कहीं से नहीं मिलेगी, Google पे कहीं से नहीं मिलेगी, ऑनलाइन कहीं से नहीं मिलेगी, फ्री कहीं से नहीं मिलेगी, घर के पीछे कहीं से नहीं मिलेगी, ना घर के आगे कहीं से मिलेगी, ना घर बैठे कहीं से नहीं मिलेगी, कहीं जाना पड़ेगा उसके लिए, और जाकर प्रोसीजर फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए आप बेवकूफ़ नहीं है, ये अपना काम धंधा दो दो दुकानें छोड़ के आए हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार, बी प्रैक्टिकल। ना आपने स्कूल घर बैठे किया, ना कॉलेज किया होगा, ना कोई डिग्री लेके ली होगी घर बैठे, नहीं ना उसके लिए घर से निकले हो ना, तो यार निकलो। और बात मेरी मानते क्यों नहीं हो यार, पब्लिक आप मेरी बात माना करो यार, आप मुझे बताओ क्या आपने स्कूल घर बैठे किया है? और जिनने भी जो भी कहते ना मैं स्कूल भाई मेरा भाई या मेरा दोस्त स्कूल डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहा है, तो आप खुद सोचते हो उसकी ज़िंदगी के क्या होंगे यार, जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहा है, डिस्टेंस लर्निंग
डिस्टेंस लर्निंग में तो प्यार भी सक्सेस नहीं हुआ तो पढ़ाई कहाँ से होगी? क्या बात कर रहे हो यार, कोई रिलेशनशिप तो बनता नहीं है, पढ़ाई कहाँ से होगी, क्या बात कर रहे हो? सो यार कैसे पॉसिबल है? आप अपने घर बैठे ये सारी चीज़ सीख लो। सो यार पॉसिबल नहीं है, और जब हम लोग कहते हैं तो आप मानते नहीं हो बात को, चले जाते हो इंस्टीट्यूट, पैसा खर्च करते हो, फिर आप गुनगुनाते हो हर एक को और हर एक को गाली देते हो। ऐसा मत करो यार, और जो करा रहे पहले देख तो लो कौन करा रहे। अरे दे ऑल आर बिजनेस मैन, अगर पहले उनको नॉलेज हो कि इसको पढ़ा जा सकता है या खुद को नॉलेज हो तो मेरे को नहीं लगता वो कराएंगे। बट और जो करा रहे क्या बोलेंगे, बट ठीक है, बट ऑनलाइन दैट ऑनलाइन दिस मोबाइल ऑनलाइन बट ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग इट नॉट सक्सेस, मत करो यार। एम डी वालिद सत्येंद्र ने पूछा है सर सैमसंग ओप्पो वीवो के लिए कौन सा लिक्विड यूज़ करें? यार लिक्विड विक्विड कुछ नहीं होता मेरे भाई, स्किल है स्किल, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी हथियार ले लो, स्किल होती है, लिक्विड कुछ नहीं होता, क्या कर रहे हो, ये नहीं होता है। मोहम्मद भाई, रैम के अंदर कौन सा ग्लू? सो रैम के अंदर ग्लू को इंस्टॉल करते समय क्या पूछ रहे पता यार, अच्छे से लिखा कीजिए प्लीज़, या तो इंग्लिश में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन बॉयज ब्लॉगर, सही कहा सर, लव यू, थैंक यू। ये कौन सा वीडियो है? हार्डवेयर और वेमेन कमेंट, ठीक है कमेंट्स होगा। एक बार कुरियर से रिलेटेड वीडियो बना दो आपका पूरा मैट, या कुरियर से रिलेटेड क्या वीडियो बनाना है यार, हमारा एड्रेस जाओ डिस्क्रिप्शन पे डला हुआ है, जाके भाई कुरियर करो, नंबर है फ़ोन करो, सर आपका एड्रेस कहाँ है व्हाट्सअप करो, वेबसाइट है www.acertelecom.in, ये वेबसाइट में जाओ, इतनी बड़ी वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट में जाओ, पूरा एड्रेस है यार, क्या बात कर रहे हो। तबिस नेट्रो डायग्नोस लाइव चेक चैन, एक इतना सा लिखा यार तुमने तबिस तबिस ने लिखा है नेटवर्क सेक्शन लाइट डायग्नोस, बस ये भी नहीं लिखा समझा दो, बोल दो, वीडियो बना दो, भाई ने पांच वर्ड लिख दिए, वो कह रहे हैं सर ये समझा दो। हैंड्स ऑफ तबिस, हैंड्स ऑफ यार, तू आईएएस आईपीएस बन जाना यार, ये क्यों कर रहा है जब तेरे लिए इतना आसान है, कमाल है यार, फॉल्ट फाइंडिंग भी करना है इनको कमाल हो पब्लिक सल्यूट। सर नंबर दिया, देखो दिया है नंबर, कॉल करो एमडी सर को। तबिस फिर पूछ रहे सर आपको अगर कुरियर भेजना हो, यार भेजो कुरियर बट बनाना भी चालू करो। एस के निजामुद्दीन सर, एसर टेलीकॉम गुड सपोर्ट 24, थैंक्स एसर टेलीकॉम, मिलन सर, देव और देव सर, यार थैंक यू वेरी मच, पूरी टीम को कहा है आपने, और भी टीम है वो भी लिख देते यार, एमडी सर सभी लोग मिलके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चामुंडा मोबाइल सर, योर वीडियो इज नॉलेजेबल, थैंक यू मेरे दोस्त। अभिषेक कश्यप सर, ये मॉडल था बहुत पुराना मॉडल है भाई, ये कहाँ लगे हो 109 बनाने में, कौन पैसा देगा इसको बनाने में यार, और पूरा डेड हो चुका है चार्जिंग भी यार, एमटी के पोर्ट शो कर रहा है, सिंपल सी बात है, एमएमसी पे काम करो, कहाँ लग रहे हो तुम। मैंने डाला भी है एमएमसी पे, और नीचे लोग भी लिख रहे हैं एमएमसी पे अटैक कीजिए, एमएमसी पे अटैक करो भाई उसके। गुड सर टेलिंग यू हार्ड वर्क करना तब मोबाइल एक्सपर्ट बने, यस शशिकांत ने कहा है हार्ड वर्क करोगे तो ही बन पाओगे। प्रमोद कासिम, मिस यू सर, आपके पढ़ाया हुआ हूँ और फरवरी के बैच का इनकम ग्रोथ में, थैंक यू वेरी मच। तो ये सारे तो मैंने ले चुके हैं। सो दोस्तों यार कैसे बताओ यार, ये वीडियो में यार बहुत सारे सवाल किया करो, मैं आंसर करूँगा, पर यार बुरा मत मानो किसी बात का, क्योंकि बुरा मानने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बातों का बुरा मानना चालू करोगे तो कैसे चलेगा, हर दिन सीखना है। पब्लिक को इग्नोर करो, समझ में आ रहा है, पब्लिक को इग्नोर करो, आगे बढ़ो लाइफ में। आप ये मानो कि आप इस दुनिया के, इस पृथ्वी के अकेले इंसान आप हो, किसी के सपोर्ट के सहारे मत रुको, आगे बढ़ो। सपोर्ट मतलब भाई ये दे दे, भाई वो दे दे, भाई ऐसा कर दे, भाई ये प्लीज़ वहाँ छोड़ दे। देखो ज़िंदगी में फ्री में ना किसी ने दोस्ती भी नहीं की है, किसी ने रिश्तेदारी भी नहीं की है, किसी ने रिलेशन भी नहीं रखा, फ्री में मेरे भाई कोई किसी के साथ नहीं साथ में रहा है, कि कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर कोई एक संबंध साथ में रहता है ना तो वो भी एक प्यार की वजह से, तो वो भी स्वार्थ है। जिस दिन तुम उसको धोखा दे दोगे ना तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा,
बोले गया मैंने तो मैं सोचा नहीं था यार तुम ऐसा करोगे, और वो छोड़ के चला जाएगा। तो आप सोचो कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ या बिन फ्री कोई ही नहीं रह सकता, कोई भी नहीं यार। कुत्ता भी तुम अपने बगल में रख लो और 10 दिन बाद उसको अगर तुम बिस्किट नहीं डालो ना, तो वो भी बिस्किट के लिए सुनते सुनते तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और कोई और बिस्किट देगा तो उसके पास रह लेगा। यार वफादारी सभी करते हैं, एक इंसान भी एक जानवर भी। बट एक होता ना फ्रेंड विद बेनिफिट्स। तो आप ये सोचो इस दुनिया में जब कोई एक नॉलेज है, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं मार्केट में, हम तो बहुत पहले से हैं, हम जो ये फीस ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इनको नॉलेज है, हम R&D होते हैं, हम R&D करते हैं अपने साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। अब हम फ़ोन बनाते हैं और फ़ोन को बनाकर उसको नई नई चीज़ें भी जानते हैं, ताकि हम अपने स्टूडेंट को भी बता सकें कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जानने, ये सारी चीज़ें जानने वाला क्या बेस्ट है आपकी नज़रों में, या वो जो सिर्फ 4 महीने सीख के आया और एक दुकान में 4 माइक्रोस्कोप लगा लिए और आधे अधूरे नॉलेज के साथ पढ़ा रहा है और बता रहा है नहीं यार ये बोर्ड तो बेकार है, ये बोर्ड टेढ़ा है, ये बोर्ड ऐसा है, हर बोर्ड में आपको बता रहा है कि यार स्वैप होगा, हाँ नहीं। तो अपना दिमाग खोलिए और सच देखिए। देखिए मैं कड़वा हूँ तभी मैं अच्छा हूँ, बट यार मैं सच बताऊँ मैं कड़वा हूँ, और कड़वा जो कड़वे बोलते हैं और जो थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि यार सर तो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि मैं यार कंधे में हाथ रख के आपको चाय पिलाऊं तो ये समझो कि हो सकता है मैं कंधे में हाथ के चाय पिलाऊं और आपकी जेब से 100 का नोट निकाल लूं, ऐसा नहीं है। जो जिनके पास नॉलेज है, जो तुम्हें नॉलेज देंगे ना, और तो वो नॉलेज देने का तरीका भी सही रखेंगे अपना। नॉलेज ऐसा नहीं है कि मुझे पता है ये चीज़ ऐसे करनी है तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, अब तुम अरे टेरे और ढीले ढाले ढंग से बैठे हो और कर रहे हो, तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैंने इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाया अपने सामने अपने सामने, और मैंने अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कोई नॉलेज नहीं ले पाएगा। एक प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज़ें अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन अटेंड कर सकते हैं तो ये से दिल कमाइए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और अल्लाह हाफिज़, और भगवान करे आपका दिन शुभ हो और खूब मेहनत करो। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?